देश धर्म से ऊपर होता है। स्वतंत्र वीर सभाकर जिसकी बायोपिक में मूवी आई है, जहाँ की रणदीप हुड्डा ने खुद डायरेक्शन की, खुद स्टोरी को राइटिंग्स भी किया एंड पिछले डायरेक्टर्स ने उस मूवी को छोड़ के चले गए, लेकिन डायरेक्टर्स यानी कि रणदीप हुड्डा ने उस मूवी का पकड़ लिया। उसके बाबू जहाँ की एक्टर्स भी यानी कि डायरेक्टर्स भी एंड स्टोरी राइटर्स भी एंड इन तीनों काम किया है रणदीप हुड्डा ने एंड इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस लेवल एंड उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हर चीजें डिटेलिंग में इस मूवी के अंदर दूर देखने को मिलेगा, जिसकी टाइम लाइन रखा गया है 3 घंटे के आसपास रखा गया है। 3 घंटे में इतना डिटेलिंग के साथ इसमें एक्सपोज किया गया है हर चीजों को, जहाँ की जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी को एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को एक्सपोज किया गया है, जो एक अलग तरीका का उनकी जो भावना थी एंड उनकी फिलोसफी थी उनको एक्सपोज किया गया है इस मूवी के अंदर। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में जो दिखाई जाती है आपको इतना स्लो वर्जन में दिखाया जाता है, आपको क्या दिख रहे हैं, कोई तो सो ही गया था इस मूवी के अंदर। एंड सेकंड हाफ में जो इतना फास्ट दिखाया गया है एंड इतना स्टोरी टेलिंग जबरदस्त है, उनकी परफॉर्मेंस लेवल एक्टिंग बहुत अच्छा है। उसके बावजूद जहाँ की काला पाली की जो इतना जुम से आया था उन्होंने, तो उस चीज़ को इतना रियलिज्म से लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास जो दिखाई गई है वो सीन मुझे लिटरली पसंद आया एंड इतना वाइब के तरीके से एंड इसमें जो दिखाया गया है इतना रियल तरीके से, इसमें काला पानी का जो जूम दिखाया गया है, उनकी जो अत्याचार हुआ था उनके साथ, जो जूम हुआ था उनके साथ, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा खुलासा किया गया है, जो खाना देते हैं किस तरीके से खाना खाते हैं उनके साथ, इतना ज़्यादा ट्रेटर्स एंड इतना ज़्यादा बहुत ही भयानक चीज़ों से होता है, दर्दनाक चीज़ आपको बहुत ही शौक लगेगा इस मूवी के अंदर। उसके बावजूद जहाँ की मडगांव एक्सप्रेस इसके साथ क्लैशिंग हुई थी, लेकिन उसके साथ मडगांव एक्सप्रेस ने अच्छा खासा ठीक ठाक कलेक्शन किया जो कि कॉमेडी वर्जन का था, लेकिन फिर भी गाइज इसमें बहुत सारा कॉमेडी से जहाँ के प्रतीक गांधी थे एंड बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनकी जो अच्छा खासा रिकग्नाइज मिला है इस मूवी के अंदर। उसके बावजूद जहाँ के स्वतंत्र वीर सभाकर मूवी में इतना ज़्यादा रियलिज्म के साथ उन्होंने फॉलो किया है, इतना ज़्यादा साल लगा दी इस मूवी के अंदर रणदीप हुड्डा ने, फिर भी गाइज इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर डे वन में सिर्फ 2 करोड़ से भी कम की कलेक्शन हुआ है, लेकिन सेकेंड डे के आते ही जहाँ के 1.5 से 2 करोड़ के आसपास इसके कलेक्शन होने वाले हैं आज के दिन। उसके बावजूद जहाँ के स्वतंत्र वीर सभाकर की जो डिटेलिंग से 80 ईयर्स तक, 80 से 82 सालों तक इसकी जो कहानी चलती है स्वतंत्र वीर सभाकर की, जो उनकी जो स्टोरी को इसमें प्ले किया गया है, जिस तरह से वो लंदन पे जाते हैं, लंदन पे आते ही वो काला पानी का चीज़ें एंड वो फ्रीडम फाइटर 1947 की लड़ाई एंड बहुत सारे एक्सपोज किया गया इस मूवी के अंदर, आप सबको शायद पसंद आ सकती है। जिस तरह से उनके साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है गांधी जी के साथ, तुम लोग कुछ करते नहीं हो, सिर्फ तुम लोग अहिंसावादी हो, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ एंड इनके जो कितना ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ जितना जो गांधी जी का हुआ है, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू जितने वो इतना पॉलिटिकल थ्रिलर एंड वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जितना इनके रिकग्नाइजेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने देश बनाया है भारत को सिर्फ उनकी ही नाम है, लेकिन उतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं होता है। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक लगा एंड इसमें से रेटिंग देना हो तो 5 में से मैं out of 3/5 star दूंगा इस मूवी को। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी मूवी। तो खैर कल मिलते हैं अगले वीडियो में।